हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी सेंटर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं एकदम अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई एकदम मस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है जो हम नेक्स्ट वीडियो में यानी पीछे वाले वीडियो में हम छोड़े थे, वो आज हम पढ़ने वाले हैं। यानी हम कहें तो डिसऑर्डर ऑफ हार्ट, यानी हार्ट के जो डिसऑर्डर हैं, हार्ट से संबंधित कुछ बीमारियां हैं जिनको हम आज पढ़ने वाले हैं। इसे पीछे वाले वीडियो में हम हार्ट अटैक क्या होता है, कार्डियक फेल्योर क्या होता है, कार्डियक अरेस्ट, ये तीन डिजीज के बारे में बता चुके हैं। ये तीनों अपने आप में अलग है, हार्ट अटैक अलग है, कार्डियक अरेस्ट अलग है, हार्ट फेल्योर अलग है, ठीक है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे हम, वहां से आप उस वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। तो आज के जो हम लोग का टॉपिक है, स्टार्ट करते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स को। और यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, डिसऑर्डर ऑफ हार्ट, ठीक है। डिसऑर्डर ऑफ हार्ट में हमारी बीमारी से पहले, इससे पहले हम तीन बीमारी पढ़ चुके हैं, ठीक है। स्टेनोसिस ऑफ वाल्व क्या है, बीमारी का नाम है स्टेनोसिस ऑफ वाल्व। इसमें क्या होता है, इसका मतलब होता है, स्टेनोसिस ऑफ वाल्व का मतलब होता है वाल्व का सिकुड़ना, ठीक है। क्या होता है, वाल्व का सिकुड़ना, या फिर हम कह सकते हैं वाल्व का स्पेस कम हो जाना, या फिर हम कह सकते हैं वाल्व का चिपकना, ठीक है। यानी इस बीमारी में जो हमारे हार्ट के वाल्व होते हैं, हार्ट के क्या होते हैं, वाल्व होते हैं। आपको हम पीछे वाले वीडियो में जहाँ पे हम हार्ट के बारे में बताए हैं वहां पे हम इसके बारे में बता सकते हैं। देखिए, हमारे हार्ट में चार चैम्बर होते हैं। मान लीजिए ये हमारा हार्ट है, ठीक है, हालांकि बोल हार्ट नहीं होता, ठीक। देखिए यहाँ पे बना रहे हैं, ये हार्ट है, ठीक है। इस हार्ट में चार चैम्बर होते हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ये चार चैम्बर होते हैं, यहाँ पे एक वाल्व लगा होता है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच एक वाल्व लगा होता है जिसका नाम होता है ट्राइकस्पिड वाल्व, और यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच एक वाल्व लगा होता है जिसका नाम होता है बाइकस्पिड वाल्व, ठीक है। और इधर राइट वेंट्रिकल में एक आर्टरी लगी होती है जिसपे वाल्व लगा होता है जिसका नाम होता है पल्मोनरी वाल्व। क्या नाम होता है, पल्मोनरी वाल्व, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा वाल्व होता है, पल्मोनरी वाल्व। ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में होता है एओर्टा, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है बॉडी में किसके थ्रू, एओर्टा के थ्रू। तो एओर्टा में भी एक वाल्व लगा होता है जिसे हम कहते हैं एओर्टिक वाल्व। क्या कहते हैं, एओर्टिक वाल्व। ये वाल्व क्या है, वाल्व मतलब एक तरह से समझ लीजिए वन वे रास्ता है, एक दरवाजा है जो वन वे है, यानी एक ही दरवाजा है, उसमें आने जाने का क्या है, एक ही दरवाजा है, उससे बस जाना है, आना नहीं है। यानी ये जो है ट्राइकस्पिड वाल्व हो, इधर से ब्लड इसके थ्रू राइट वेंट्रिकल में आ सकता है लेकिन यहाँ से वापस राइट एट्रियम में नहीं जा सकता है, ठीक है। ये लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच जो बाइकस्पिड वाल्व है, यहाँ से ब्लड यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ सकता है लेकिन लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम में नहीं जा सकता है। ये क्या है, वन वे रास्ता है जो बस आने की अनुमति देता है, जाने की अनुमति नहीं देगा, ठीक है। तो इन्हीं दरवाजे में क्या होता है, स्टिकनेस हो जाता है, सॉरी क्या होता है, स्टिक हो जाते हैं, ये चिपक जाते हैं आपस में। देखिए कभी कभी इसका ये एक बाइक नहीं होता है, ऐसा नहीं कि हमारा जो हार्ट वाल्व होता है तो एक बाइक चिपक जाएगा, धीरे धीरे होता है। पहले नॉर्मल हार्ट वाल्व होता है, नॉर्मल तरीके से वो कार्य करता है, धीरे धीरे
वो थोड़ा थोड़ा चिपकना स्टार्ट होता है, उसके बीच का स्पेस थोड़ा थोड़ा कम होता है, यानी कहे तो सिकुड़ता है। उसके बाद से सीवियर कंडीशन जब आता है तो सीवियर कंडीशन में जो हर्ट वाल्व होते हैं ये चिपक जाते हैं। अगर मान लीजिए हर्ट वाल्व को हम बताएं, देखिए ऐसे ट्राइकस्पिड वाल्व होता है ऐसे, ठीक है, ये क्या है ट्राइकस्पिड वाल्व है, इसमें तीन दरवाजा होता है इसलिए हम इसे ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं, तीन दरवाजा होता है इसलिए हम इसे ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से खुलता रहता है, जैसे मान लीजिए तीन दरवाजा है, ऐसे खुलता है ऐसे बंद होता है, ठीक है, तो ऐसे ही ये खुलता रहता है बंद होता रहता है, जैसे ब्लड ऊपर चला जाएगा ये बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये जब मान लीजिए चिपक जाएंगे आपस में तो ब्लड आगे बहेगा ही नहीं, यहीं पे रुक जाएगा। तो हमारे बॉडी को तो ब्लड चाहिए, क्योंकि हमारे बॉडी को न्यूट्रिशन को न्यूट्रिशन का ऑक्सीजन का जो भी है उसका जरूरत है, तो जब ब्लड हमारे आगे नहीं जाएगा तो क्या करेगा, हो सकता है कि हार्ट अटैक वाला कंडीशन आ जाए, यानी हार्ट अटैक हो सकता है व्यक्ति का, हार्ट फेल्योर हो सकता है, ठीक है। तो इसके वजह से क्या होगा, देखिए स्टेनोसिस ऑफ वाल्व का काज क्या होता है ये बता दें, बीमारी क्या होती है, यानी जब हमारे हार्ट वाल्व जो होते हैं आपस में चिपक जाते हैं, उनमें तीन दरवाजा है, एक दो तो ये हो गया, एक मान लीजिए इधर से आप लगा दीजिए, ठीक है, ये ऐसे खुलते रहते हैं ऐसे बंद होते रहते हैं, ऐसे खुलते हैं बंद रहते हैं, यही दो दरवाजे जो होते हैं ये चिपक जाते हैं, ठीक है। तो जिसे हम क्या बोलते हैं, स्टेनोसिस ऑफ वाल्व, यानी वाल्व का चिपकना, ठीक है। काज इसका क्या होता है, काज रिमेटिक हार्ट डिजीज है, इसका काज एक तो रिमेटिक हार्ट डिजीज हो सकता है, या फिर कैल्शियम का डिपोजिशन हो सकता है, कैल्शियम डिपोजिशन इन हार्ट वाल्व, यानी हार्ट की जो वाल्व है वहां पे कैल्शियम का डिपोजिशन हो सकता है, इकट्ठा हो सकता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये स्टेनोसिस ऑफ वाल्व की बीमारी हो सकती है। सिम्टम्स के क्या होते हैं, सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स चेस्ट पेन, छाती में दर्द होगा, सीने में दर्द होगा, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग यानी सांस लेने में परेशानी होगी, यानी व्यक्ति जब सांस लेगा तो सांस फूलने लगेगी, ठीक है, तो सांस लेने में क्या होगी उसे परेशानी होगी, टायर्ड होगा व्यक्ति, थका हुआ फील करेगा अपने को, यानी बहुत ज्यादा अपने को थका हुआ फील करेगा, डिजीनेस होगा, डिजीनेस मतलब चक्कर आएगा उसको, क्या होगा चक्कर आएगा, ठीक है। तो ये सिम्टम होते हैं इसमें स्टेनोसिस ऑफ वाल्व में, ठीक है। अब हमारी अगली बीमारी है इनकॉम्पिटेंस ऑफ वाल्व, इनकॉम्पिटेंस ऑफ वाल्व या फिर इनकॉम्पिटेंस ऑफ हार्ट वाल्व कह लीजिए, ठीक है। इनकॉम्पिटेंस ऑफ वाल्व का मतलब होता है कि जो इसमें वाल्व लगे होते हैं वो कंप्लीटली रूप से क्या होते हैं, चिपक जाते हैं, हार्ट वाल्व क्लोज कंप्लीटली, यानी इसमें हार्ट वाल्व होते हैं एकदम कंप्लीट बंद हो जाते हैं। आपको पता है कि जब बंद होने का रीजन यहाँ से बताए हम आपको, ठीक है, जब बंद होगा वो क्या काज करेगा, अभी बताया हमने, जब हमारा हार्ट वाल्व बंद होगा तो हमारे बॉडी में ब्लड सप्लाई नहीं होगी, जब ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो हमारे टिश्यू क्या होंगे, डेथ करना स्टार्ट करेंगे, जब डेथ करेंगे हो सकता है कि कार्डियक का टिश्यू डेथ हो जाए, जिससे हमको हार्ट अटैक आ जाए, हार्ट फेलियर हो जाए, ये सारे सिम्टम हो सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है इनकॉम्पिटेंस ऑफ वाल्व, यानी हार्ट वाल्व का क्लोज होना, कंप्लीटली क्लोज हो जाएगा, खुलेगा नहीं, सर्जरी वर्जरी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इनकॉम्पिटेंस ऑफ वाल्व क्या है, हार्ट वाल्व का क्लोज होना, बंद होना। अब हम बात करते हैं अगली बीमारी है इस्केमिक हार्ट डिजीज, क्या है इस्केमिक हार्ट डिजीज, इस्केमिक हार्ट डिजीज क्या होती है, तो इस्केमिक हार्ट डिजीज जब हमारे हार्ट में ब्लड का सप्लाई, मतलब जितना ब्लड सप्लाई उसमें होना चाहिए उतना नहीं हो पाता है, तो वो काज करता है इस्केमिक हार्ट डिजीज, यानी मान लीजिए हमारा जो हार्ट होता है ये हार्ट है, और इस हार्ट में ब्लड सप्लाई करने का कार्य किसका होता है, कोरोनरी आर्टरी का होता है, सीए का होता है, कोरोनरी आर्टरी का होता है, ठीक है। जब कोरोनरी आर्टरी हमारे हार्ट में ब्लड सप्लाई कंटिन्यूली नहीं कर पाती है, ब्लड सप्लाई तो करती है लेकिन हमारे हार्ट को जितना ब्लड सप्लाई चाहिए उतना नहीं कर पाती है, जब वो नहीं कर पाएगी तो क्या काज करेगी, इस्केमिक हार्ट डिजीज, क्यों नहीं सप्लाई करती है, क्या धरना पर बैठ जाती है कि नहीं हम तुम्हारे में ब्लड सप्लाई एकदम जितना तुमको चाहिए उतना नहीं करेंगे, या उसके पास कोई प्रॉब्लम है, तो उसके पास प्रॉब्लम होती है,
क्या प्रॉब्लम होती है? हो सकता है नहीं होगा, जो हमारी कोरोनरी आर्टरी होती है, कोरोनरी आर्टरी के बीच में कहीं स्वेलिंग हो जाए या फिर कोई हमारा ब्लड का थक्का जम जाए, जिसके वजह से जो आर्टरी है, जो हमारी वेसल्स हैं, उसमें मार्ग अवरुद्ध हो जाए, यानी जो हमारा बड़ा सा मार्ग है, वो बड़ा सा मार्ग में कोई अवरुद्ध उत्पन्न हो जाएगा, तो उसमें जो भी ब्लड का फ्लो हो रहा है वो कम होने लगेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक हमारी ब्लड वेसल्स है, इस ब्लड वेसल्स में यहाँ पे स्वेलिंग हो जाए ऐसे, ठीक है, तो जो ब्लड ये पूरा एरिया में बह रहा था, अभी ऐसे आके ऐसे जा रहा है, तो ब्लड की कमी तो हुई, यानी हमारे हार्ट में ब्लड पहुंचेगा, ऐसा नहीं कि नहीं पहुंचेगा, लेकिन जितना चाहिए उतना नहीं पहुंचेगा। ठीक है, तो जब नहीं पहुंचेगा तो ये क्या काज करेगा? इस्केमिक हार्ट डिजीज क्या काज करेगा। ठीक है, इसका कारण क्या है? कारण बता दिया आपको कि हमारे ब्लड वेसल्स में या तो स्वेलिंग हो जाए या फिर ब्लड का थक्का कोई पार्टिकल रुक जाए, इकट्ठा हो जाए, जिसकी वजह से यह इस्केमिक हार्ट डिजीज होती है। सिम्टम क्या है? देखिए, सिम्टम जितने भी हमारे हार्ट से संबंधित बीमारियां हैं, उन सब में कॉमन सिम्टम होता है चेस्ट पेन। लगभग सब में चेस्ट पेन होता है, ठीक है, जितने भी हार्ट से संबंधित बीमारी है, सब में छाती में सीने में दर्द होगा। ठीक है, तो इसमें भी चेस्ट पेन होता है, इस्केमिक हार्ट डिजीज में भी चेस्ट पेन होता है। इसके साथ साथ डिजनेस भी होता है, चक्कर भी आता है पेशेंट को, इसके साथ साथ ब्रीदिंग में यानी सांस लेने में प्रॉब्लम भी होती है, उसको डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में उसको कठिनाई होती है। ठीक है, तो ये सारे सिम्टम हैं किसके? इस्केमिक हार्ट डिजीज के। ठीक है, अब इसके बाद से हमारी बीमारी है एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस, देखिए एंजाइना पेक्टोरिस जो है वो क्या है? जो हम लोग के इस्केमिक हार्ट डिजीज है, ये इस्केमिक हार्ट डिजीज ही काज करती है एंजाइना पेक्टोरिस। ठीक है, इस्केमिक हार्ट डिजीज किसी व्यक्ति को हुआ है तो उसको एंजाइना पेक्टोरिस होता है। ठीक है, अब एंजाइना पेक्टोरिस क्या है? पेन अकरिंग ड्यू टू मायोकार्डियल इस्केमिक, यानी हमारे जो हार्ट की मायोकार्डियल मसल होती है उसमें क्या होगा? पेन होगा, दर्द होगा। क्यों दर्द होगा? क्योंकि वहां पे ब्लड की सप्लाई नहीं पहुंच रही है जितना पहुंचनी चाहिए। ठीक है, जिससे हो सकता है कि टिश्यू डैमेज करने लगे। ठीक है, तो ये है हम लोग का एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस का काज क्या है? हम कह सकते हैं कि इसका काज है इस्केमिक हार्ट डिजीज। सिम्टम चेस्ट पेन, सब सब में चेस्ट पेन होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है अकरिंग ड्यू टू मायोकार्डियल इस्केमिक, पेन अकरिंग ड्यू टू मायोकार्डियल इस्केमिक, यानी जब मायोकार्डियल में इस्केमिक हार्ट डिजीज होगा तो क्या काज करेगा? पेन काज करेगा। ठीक है, दर्द होगा। ठीक है, तो ये भी हम लोग की हार्ट से संबंधित कुछ बीमारी। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको जो भी हम बताए हैं समझ में आ गया होगा। ये जो हम लोग का टॉपिक रहा है, हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट किए थे, जो चैप्टर स्टार्ट किए थे, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का ये लास्ट टॉपिक रहा है। ठीक है, ये लास्ट वीडियो है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे हम लगभग 23 वीडियो बना चुके हैं, इसको लेके 23 वीडियो हो जाएगी। ठीक है, तो आपको यदि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो इस वीडियो का शुरू से लेके अंत तक सारा पार्ट देख लीजिए, आपको कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में सब कुछ पता चल जाए, क्योंकि हम लगभग सब कुछ एकदम डीपली बताने की कोशिश किए हैं सारे वीडियो में। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को, और यदि आप हमारे चैनल पर नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आपका दिन शुभ मंगल रहे। धन्यवाद।